अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे इस पे हमारे लाइफ के बारे में, हम उन सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो लोग इस क्वारंटाइन को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहना है, आपने हमारी पूरी वीडियो आज की आपने देखनी है, बहुत फ़नी होगी, आपने वीडियो लाजमी देखनी है वाली। तो हम पहले तो हम बात करते हैं फैसलाबाद की, जहाँ पर लोग पतंग उड़ा रहे हैं, गुड्डाबाजी और साथ में गाने लगे हुए हैं जी, मतलब सिद्धू मूसेवाला और पता नहीं केड़े केड़े। तो अभी हम आपको ये वाली वीडियो दिखाते हैं। ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਛਾਪੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਪਰ ਬੈਗ ਬੱਲੀਏ ਆ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਸਵੈਗ ਬੱਲੀਏ ਆ ਪੁੰਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਆ ਨਾਮ, पुलिस ठहरी है हर जगह पे, लॉकडाउन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप लोगों ने कहीं पे डेट पे नहीं निकलना भाई, पार्क वगैरह में पकड़े गए। तो आप अभी ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये वाली वीडियो देखें पुलिस क्या। अब हम बात करेंगे कुछ इस बारे में, पुलिस वालों के बारे में, कि पुलिस वाले किस तरह रोक रहे हैं और किस तरह अगर कोई उनके साथ थोड़ी सी वो हो रही है तो पुलिस वाले भी आजकल थोड़े से ना ऊपर वाले लेवल पे हैं, ठीक है। मतलब कि फौरन ही पड़ जाते हैं कि आप के पास मारने वाले हैं भाई, आपको बस अभी ख़त्म कर देंगे सारा बेड़ा तहस नहस, यूँ ये बस ख़त्म। ये अभी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं आप। कुछ बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस में भाई चिल माहौल है, फुल टाइम चिल, मतलब क्या कोई किसी की बात नहीं सुनना जा रहा, टीचर्स पढ़ा रहे हैं भाई। दुनिया तरक्की करके कहाँ की कहाँ पहुँच गई और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को मॉक करने पे लगे हैं अभी तक, ठीक है। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर हम लोगों ने भी तरक्की करनी है तो कम अज़ कम हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें भी नई चीज़ों की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें भी नई चीज़ों की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नई चीज़ों की तरफ शिफ्ट हों। ये वाली वीडियोज़ चंद एक मैंने इकट्ठी की हैं ऑनलाइन क्लासेज में, जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है। तो आप लोग ज़रा ये वीडियोज़ मुलाहिज़ा फरमाएँ। जुबैर इना आईटीसेक्स वाला जुबैर ओ भाई अदे पानी लोड़ गए पोटरिया मैं नहीं मैं तेरे घर आया बेटा बनने दे तू बैठा मैं आके ना उंदा लेके दोपहर दा पूरी दे तीन और पढ़ा ओए सेंटर भाई अब समझाएं आप आपको होस्ट बना के चली गई है मैम ओए ओए मुंह बंद ओए मुंह बंद ले आ बोल ना ज्यादा चौधरी होने जा कोई ना हो तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कोरोना वायरस केसेस के बारे में। तो कोरोना वायरस केसेस के बारे में है, जो आज के जो अभी तक का जो फिगर है वो 4008 केसेस, 147 जो हैं वो आज के न्यू हैं, 436 रिकवरीज और 23 आज की हैं, 55 डेथ्स हो गई जिनमें 2 डेथ्स आज की हैं। भाई मेरे ये मजाक नहीं है बहुत ज़्यादा। आज मैंने एक न्यूज़ सुनी तो उसमें बताते हैं पंजाब में कम अज़ कम जो हैं 50,000 केसेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो पंजाब के जो आज के केसेस हैं वो 2007 हो गए हैं, 80 केसेस आ जाए हैं, कोई रिकवरी नहीं कल तक ही, 15 डेथ्स और कोई रिकवरी भी नहीं, 25 की 25 पड़ी हैं अभी तक। तो भाई हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। बाकी मजाक की बात तो अलग, ठीक है, हमने बहुत मजाक उड़ाया इस कोरोना वायरस का कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, ये हमसे भाग जाएगा, पैनाडोल की गोली खाएंगे ख़त्म हो जाएगा, मलेरिया के टीके लगवाएंगे ख़त्म हो जाएगा, इंजेक्शन कोई भी लगवा लेंगे ये भाग जाएगा। तो भाई ये ऐसे नहीं भागेगा, हमें इसके लिए हमें अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ेगा भाई मेरे, ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपने आप को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है भाई, हमें अपने आप को एक माशरे में एक अच्छे लोगों की तरह साबित करना है भाई। बहुत
ये एक जानलेवा बीमारी है कोरोना वायरस, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं तैयार की गई और हम पाकिस्तान लोग तो बहुत पीछे हैं इस चीज़ में। तो भाई ये देखो घर बैठो आराम से, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं आजकल। तो सिंध में भी 986 हो गए हैं, 64 आ जाए हैं और 54 आ जाए हैं 16 उनमें, वहाँ पर रिकवरी भी हो गई है और एक डेथ हुई है, ठीक है ये नॉर्मल चल रहा है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान और ये बलोचिस्तान कोई चेंज नहीं है इनमें। इस्लामाबाद में आज एक केस आया, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में आज दो केस आए, 18 केसेस हो गए हैं, वहाँ पे एक रिकवर्ड हो गया है, डेथ वहाँ पे कोई नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर बाकी वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे चल सकता है। हमारा ग्राफ भी बहुत आगे जा रहा है, आप लोग यार खुद जा कर देखा करें, आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा। ये चीज़ लाजमी देखें आप, हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।